नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने पर फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक को लेके। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? अवार्ड एंड देयर स्टार्टिंग ईयर। ठीक है, मैं यहाँ पे अवार्ड लिखा हूँ और उस कब स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था। कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ग्रैमी अवार्ड कब आया था, नॉवेल अवार्ड कब आया था, ऑस्कर अवार्ड कब आया था। ठीक है, तो इनके डेट्स आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरे करिए, बट आपको जितने लगते हैं उतने तो कर लीजिए आप। ठीक है, और आप अगर पूरे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कौन से पूछ लिए जाते हैं वो आपको पता नहीं है। ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिलता है, मतलब कब मिलता है और कौन सी ईयर से स्टार्ट हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको जरूरी है जाननी। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं। मैंने 19 लिखे हुए हैं, इसके बाद के भी हैं और भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम 19, 20, ठीक है, टोटल 20 हम जानने वाले हैं, एक आप सॉल्व करने वाले, इसलिए मैं 19 बोला। ठीक है, 19 हम बताएंगे और एक आपको करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड, अभी हमको भी यहाँ पे दो चीजें यूज करनी है, कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट। ये हर जगह पे यूज करनी है, पहले हमको कॉमेडी इमेज बनानी है और उसको फनी रिलेट करा देना है। अब यहाँ पे कोडिंग काम आने वाली है। क्या काम आने वाली है? कोडिंग काम आने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, अब इसको यहाँ पे कॉमेडी इमेज बनाएंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हमारा जो पहला लॉजिक है इसको अवार्ड डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ज्ञान, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ज्ञान। तो गांव में आप देखते हो कि सब लोग बोलते हैं ऐसा ज्यादा मत पढ़, क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही आप लॉजिक लगाइए कि जो ज्ञानी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पागल होते हैं, या फिर जिसको ज्यादा ज्ञान रहता है वो पागल होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? ज्ञानी लोग क्या होते हैं? पागल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड उठाया, देखो मैंने बताया था कि पहले हम कॉमेडी इमेज बनाएंगे उसको फनी रिलेट करा देंगे। तो कॉमेडी इमेज क्या है? ज्ञान, ज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी लोग क्या होते हैं? पागल होते हैं। तो पागल मैंने लिख दिया, पागल को डिकोड करेंगे तो क्या होगा? 965, वन लगा देंगे 1965। ठीक है, पी से 9 आया, ये वोवेल्स कट गया, जी से 6 आया, एल से 5, वन लगा देना। तीन यूनिट आया, तीन अपने को नंबर मिला, हम लोग को तीन नंबर मिला तो वन हमको लगा देना। ये तो स्टार्टिंग से यही बात चल रही है। ठीक है, मैंने इंस्टीट्यूट में भी आपको यही बताया। तो 1965, तो पहला क्या आएगा? 1965। नेक्स्ट, दादा साहेब फलके अवार्ड। तो दादा साहेब फलके अवार्ड, अब यहां से कोई सा भी एक वर्ड आपको निकालना है। तो यहां से मैंने उठा लिया दादा, मैंने उठा लिया दादा, मेरे दादा बीजेपी के लीडर हैं। मेरे दादा क्या है? बीजेपी के लीडर हैं। तो बीजेपी, मेरे दादा क्या है? बीजेपी के लीडर है। तो 9, यहाँ पे 69, 169। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1969। ये कैसे आया? यहाँ पे बी से 9, जे से 6, पी से 9, तो 1 लगा दिया, 1969। ठीक है, तो मेरे दादा क्या है? बीजेपी के लीडर है। नेक्स्ट, थर्ड, नोबेल अवार्ड। नोबेल अवार्ड क्या है यहाँ पे? नॉवेल, नॉवेल आप जानते हो, नॉवेल बुक्स होते हैं। तो आपको सबसे बेस्ट नॉवेल पढ़ने की आदत है, कोई नॉवेल आप कोई भी नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो, सिर्फ जो बेस्ट नॉवेल्स होते हैं वही पढ़ते होते हैं। यहाँ पे बेस्ट आ जाएगा, क्या आएगा? बेस्ट। आप कौन सी नॉवेल्स पढ़ते हो? बेस्ट नॉवेल्स पढ़ते हो। यहाँ से मैंने एक वर्ड उठाया नॉवेल्स, तो कौन सी नॉवेल्स पढ़ते हो? बेस्ट वाली। बेस्ट को डिकोड करो तो क्या होगा? 901, 1 लगा दिया, 1901। ठीक है, तो यहाँ पे बी से 9 हो गया, ये वॉवेल से कट जाएगा, एस से 0 हो गया, टी से 1 हो गया, तो 1 आगे लगा दिया तो क्या हो गया? 1901। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर, अब यहाँ पे कोई वर्ड मिल रहा है जिसको हम कोरिलेट करा सकते हैं, तो यहाँ पे कर दिख रहा है, कर, एक्चुअली इसको पढ़ते कार है बट हम कर पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इसको रिलेट कराना है। ठीक है, आप कार से बना सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा, बट इसको मैंने कर पढ़ा हुआ है तो इसको मैं कर से बनाऊंगा, आप कार से भी बना सकते हो। नेक्स्ट, तो कर है, तो सबसे ज्यादा मुझसे जो कर लेता है वो है पीएनबी बैंक वाला। ठीक है, मुझसे सबसे ज्यादा कर कौन लेता है? पीएनबी। टैक्स कौन लेता है? मुझसे, मेरा जो टैक्स काटता है वो सबसे ज्यादा पीएनबी बैंक वाला काटता है, वो जहां मुझे दिखेगा मैं उसको बहुत मारूंगा। ठीक है, तो मेरा सबसे ज्यादा टैक्स कौन लेता है? पीएनबी। तो पीएनबी को ब्रेक करेंगे तो 129, 1 लगा दिया, 1929। ठीक है, पी से 9 हुआ, 2 से एन, बी से 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे चीजें याद नहीं करनी है, अभी मैं ये सारी चीजें मुझे याद नहीं है, मैं इसको ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ कि ये कब हो रहे हैं कब नहीं, ये ज्यादा है ये कम है, मैं अपने कोड के ऊपर ध्यान दिया हूँ। कोड याद है तो ये तो याद आना ही है। ठीक है, कोड याद है तो ये याद आना ही है। अभी मैं इसको रफ कर दूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा कि 1901 लिखा था यहाँ पे, 1929 लिखा था, क्योंकि मुझे, मैंने कोड से याद किया। जैसे मुझे कोड याद आएगा मैं नंबर से ऑटोमेटिक लिख दूंगा। ठीक है, उसी तरह से आपको भी करना है। ऑस्कर, फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर, यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड है, तो फिल्म फेयर अवार्ड कैसे याद करेंगे? यहाँ से एक वर्ड उठा मैंने, फिल्म फेयर। तो फिल्म फेयर अवार्ड मैं देखने जा रहा हूँ, मैं एक फिल्म में हूँ। ठीक है, मैं मूवी बनाता हूँ तो मैं जो फिल्म फेयर अवार्ड लेने जा रहा हूँ वो प्लेन में बैठ के जा रहा हूँ लेने के लिए। किस में जा रहा हूँ? प्लेन में बैठ के जा रहा हूँ। प्लेन को डिकोड करेंगे तो क्या होगा? 952, यहाँ पे 1 लगा दिया, 1952। कैसे बना? पी से 9,
इससे 5 ये कट गया, एन से 2 ये कट गया, तो क्या आएगा 952, 1 लगा दिया, ठीक है 1952। नेक्स्ट, तो फिल्म फेयर अवार्ड आप किस पे बैठ के जा रहे हो देखने के लिए? प्लेन से जा रहे हो आप देखने के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड देखने के लिए किससे जा रहे हो? प्लेन से जा रहे हो। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स, अब यहाँ पे मैंने वर्ड उठा लिया यूनिवर्स, ठीक है यूनिवर्स क्या हो गया, आप पूरे यूनिवर्स को घूम रहे हो, किससे घूम रहे हो? प्लेन से ही घूम रहे हो, ठीक है किससे घूम रहे हो? प्लेन से। तो ये भी क्या आएगा 1952, इसका ऊपर वाला प्लेन से था, तो हम पूरे यूनिवर्स किससे घूम रहे हैं? प्लेन से घूम रहे हैं। तो आप कभी भी आपने अगर मिस यूनिवर्स आपने देखा, यूनिवर्स दिखा आपको ये वर्ड, तो आपको तुरंत प्लेन याद आएगा, अगर आपने स्टोरी बना के माइंड में सेट किया तो। माइंड में सेट कोई दो वर्ड नहीं करना, मैं बार बार चीजें बोल रहा हूँ, दो चीजें नहीं, मैंने यूनिवर्स बोला प्लेन बोला, आप तुरंत करते हो यूनिवर्स प्लेन, यूनिवर्स प्लेन, इस तरह से नहीं, यूनिवर्स बोला तो आप इमेजिन कीजिए कि आप यूनिवर्स में घूम रहे हो प्लेन से, आप ऐसा इमेजिन करके उसको सेट करो तो ही वो याद आएगा, ऐसे करोगे यूनिवर्स प्लेन, फिल्म फेयर प्लेन, इस तरह से नहीं याद होगा, भूल जाएगा, पूरी तरह से भूल जाएगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा इस लेक्चर का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इमेज बनाना है और स्टोरी बना के माइंड में सेट करनी है। तो आप पूरे यूनिवर्स किससे घूम रहे हो? अब आप अभी इमेजिन करो कि आप यूनिवर्स घूम रहे हो प्लेन में बैठ के, तो आप कभी भी मिस यूनिवर्स दिखाना पक्का प्लेन ही सोचोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड कब मिलता है? अर्जुन आपको पता है कहाँ था? अब यहां से मैंने वर्ड उठाया अर्जुन, तो अर्जुन आपको पता है कहाँ था, ठीक है। तो अर्जुन का महाभारत में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, अर्जुन का महाभारत में क्या हुआ? बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। अब आप याद रखिए यहाँ पे बेइज्जती, तो मैं डबल जे बेइज्जती इस तरह से लिखूंगा, डबल जे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमको इससे कोड मिल रहा है, तो बेइज्जती इसकी क्या हुई? बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। अब आपको ये भी चीजें मैंने बताया, कहीं दो अगर सेम सेम वर्ड दिखा तो उसको एक ही कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 961 लगा दिया, 1961, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, टी 7 हो गया, इससे 6 दो है, एक ही लगाएंगे, 9 से बी से 9, तो 1961 बेइज्जती, ठीक है। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड, अब मिस वर्ल्ड क्या है? अब यहां से कोई चीज आप उठा सकते हो, मिस वर्ल्ड, अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो मिस वर्ल्ड बनी हुई है उनको पूरे उनको उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, स्टोरी बनाइए, स्टोरी मायने बनाते जाइए, उनका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उनको उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, बट आप इमेजिन कीजिए, हमको याद करना है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रहा है और वो ब्लड ग्रुप आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, बाकी वो ब्लड ग्रुप किसी भी नहीं, किसी के पास नहीं। अब आपको अमेरिका बुलाया जा रहा है, सपोज अमेरिका जा रहे हो, आपको उनको ब्लड देने के लिए, क्या देने जा रहे हो आप वहां पे? ब्लड देने जा रहे हो। सोचो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं मिला, आप कितने भाग्यशाली हैं कि मिस वर्ल्ड को आपको क्या देने पड़ रहा है? ब्लड देना पड़ रहा है। इसको डिकोड करेंगे क्या होगा? 9511 लगा देंगे, 1951, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ये समझ गया किस तरह से मैं डिकोड कर रहा हूं? अगर नहीं समझ रहा तो आप पिछला लेक्चर देखिए, पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई है वहां पे कि किस तरह से कोड को आपको याद करना है। नेक्स्ट, मिस इंडिया, अब ये इंडिया की है तो इनसे हम उद्घाटन भी करा सकते हैं मिस इंडिया से, तो आप याद रखिए कि आप जो मिस इंडिया है उनसे बजाज कंपनी की उद्घाटन करा रहे हो, ठीक है। कौन सी कंपनी का? बजाज, इंडियन कंपनी बजाज कंपनी को आप क्या करा रहे हो? उद्घाटन करा रहे हो, किससे? मिस इंडिया से, इंडिया की है इसलिए। तो मिस इंडिया को अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या कोड बनेगा? यहाँ पे 9 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा, 61 लगा दिया, 1966, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1966। इस तरह से आपको फटाफट करना, ये तो लिखने की भी जरूरत ना पड़े, ये जो मैं यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस आप लोग के लिए करा रहा हूँ, ये लिखना भी ना पड़े, इतनी स्पीड से करना है। जैसे मिस इंडिया याद है तो मिस इंडिया से आपको क्या याद आना चाहिए? बजाज, बजाज को डिकोड करेंगे तो क्या होगा? 966, ठीक है, 1 लगा दिया यहाँ पे, तो 1966। इस तरह से आपको फटाफट करना है। नेक्स्ट, पद्मश्री अवार्ड, अब ये तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पद्मश्री अवार्ड कब बना था, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो पद्मश्री, अब यहां से कौन सा वर्ड आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे दम निकल रहा है, ठीक है, दम, पद्म ऐसे लिख देना, पद्म, ठीक है, पद्मश्री, तो पद्मश्री में यहाँ पे दम निकल रहा है, तो इसको दम हम ले लेते हैं, तो इस दम को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं, कोड बनाते हैं दम। तो दम सबसे ज्यादा किसमें होता है? प्लेयर्स में होता है, किसमें होता है? प्लेयर्स में। अब इसको डिकोड करेंगे तो 9540, ठीक है, ये हमको नहीं लेना है क्योंकि हमको तीन ही चाहिए था, तो 1954, ठीक है। तो किसमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, मतलब किसके किसमें सबसे ज्यादा दम होता है? प्लेयर्स में होता है, तो प्लेयर्स को डिकोड करेंगे तो 9541 लगा देंगे, 1954, नेक्स्ट, कलिंग अवार्ड। अब कलिंग अवार्ड क्या है, अब इसको क्या करेंगे कलिंग अवार्ड? जी देखो, चीजें मैं यहाँ पे टेक्निक सिखा रहा हूँ, आप टेक्निक जरूर सीखे। टेक्निक क्या है यहाँ पे?
कि जो वर्ड दिया गया पहले उसको डिकोड करो, उसमें से कोई एक ऐसा वर्ड निकालो जो कि आपको देखते माने याद आ जाए कि हाँ ये कोड मैंने उससे रिलेट किया हुआ था। अब यहाँ पे कलिंग का वर्ड है, तो यहाँ पे काली दिख रहा है, तो काली माँ को आप सब लोग जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो काली माँ की मूर्ति आप विसर्जन के लिए जा रहे हो, किससे जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो। आप काली माँ की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए किससे जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो। तो प्लेन का करेंगे कोड तो क्या होगा, यहाँ से भी सारे प्लेन थे, इसको बिलोंग करें 9521 1952, पी से 9521 1952। नेक्स्ट, ठीक है। आप इमेज करते जाइए, इमेजिन करते जाइए, जो चीजें बताता हूँ आप बंद करके इमेजिन कीजिए। फर्स्ट टाइम तो नहीं होगा, बट एक समय आएगा धीरे धीरे आप करना स्टार्ट कर देंगे, तो इमेजिन करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड। अब ग्रैमी अवार्ड से क्या बना सकते हो, आप सोचिए जरा, ग्रैमी अवार्ड से क्या बना सकते हो। तो ग्रैमी अवार्ड से हम इसको गर्मी बना सकते हैं, गर्मी। इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि बिलीव नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है मुझे कि इतना ज्यादा गर्मी कैसे हो सकती है इंडिया में। 60 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस चले जाता है, 60 डिग्री होता है कभी, नहीं होगा ना, तो सीधी बात है बिलीव नहीं हो रहा है, खत्म। तो गर्मी अवार्ड, गर्मी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, इतना ज्यादा इंडिया में गर्मी हो रही है कि हमको क्या नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 9581 लगा दिया, 1958। अभी कोड कैसे आया, यहाँ से 9 आया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 8 आया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वॉवल्स कट गए, तो ये 9 बन गया, ये 5 बन गया, ये 8 बन गया, 1958। नेक्स्ट, मैन बुकर, ठीक है। मैन बुकर क्या है, अब इसको कोड कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे मैन है तो आदमी होता है, बुकर को बुक, बुक मैन बुक करना, मैन बुक करना, तो मैन बुक कब करते हैं, यहाँ पे आपको इमेज ये करना है कि बीजेपी वाले जो है वो सबके सब मैन को बुक कर दे रहे हैं, सबके सब मैन को क्या कर रहे हैं, बुक कर दे रहे हैं। तो मैन बुकर कौन इनको बुक कर रहा है, बीजेपी वाले, तो बीजेपी वाले का कोड क्या होगा, 9691 1969। बीजेपी वाले सारे मैन को क्या कर रहे हैं, बुक कर ले रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए, कि इलेक्शन को जीतना है तो वो क्या कर रहे हैं, सबके सबको बुक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मैन बुकर, मैन को बुक कर ले रहे कौन, बीजेपी वाले, बीजेपी को डिकोड करेंगे 1969। नेक्स्ट, जवाहरलाल। अब जवाहरलाल से क्या बन सकता है, देखो अभी जस्ट पिछले ही वीडियो में मैंने जवाहर डैम के बारे में बताया था, जवाहर से मैंने यहाँ पे बाहर निकाला था, बाहर निकाला था, देखिए वही कोड में यहाँ पे भी यूज करूंगा, एक कोड आपने याद किया तो उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जवाहर जो डैम था, तो यहाँ पे क्या है, बाहर, तो आप बाहर कैसे याद होगा, देखो जवाहर देखा तो बाहर, जवाहर बाहर, आप घर में बैठे हो तो आपको बोला गया कि इसको बाहर निकालो, ये पागल हो चुका है, क्या हो चुका है, पागल हो चुका है, इसको घर से बाहर निकाल दो। क्यों बाहर निकालना है, क्योंकि ये पागल हो चुका है, तो 9651 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, 1965। इससे 5 हो गया, इससे 6 हो गया, यहाँ पे 9 लगा दिया, ये बॉबल से कट गया, ठीक है। तो आपको घर से निकाल दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप पागल हो चुके हो, ठीक है। तो जवाहर से बाहर आपको बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि आप क्या हो चुके हो, पागल हो चुके हो। नेक्स्ट, सरस्वती अवार्ड। सरस्वती अवार्ड, सरस्वती सीधी बात है भगवान होते, तो सरस्वती को उठा लेते वहां से। अब सरस्वती वर्ड को हमने उठाया, तो सरस्वती क्या है, भगवान है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए, करिए अभी इमेजिन करिए कि आप सरस्वती भगवान को पपीता चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, पपीता चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, पपीता चढ़ा रहे हो। पपीता को डिकोड करेंगे तो 9911 1999, ठीक है, 1991, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ से 9, यहाँ से 9, ये बबल से ये कट जाएंगे, 1 को अपने आप लगा देना, 1991, ठीक है। सरस्वती भगवान को आप क्या चढ़ा रहे हो, पपीता चढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सरस्वती कोड को उठा लिया। नेक्स्ट, शांति स्वरूप, ठीक है, भटनगर अवार्ड, ठीक है, भटनगर अवार्ड। अब ये शांति क्या है, अब यहाँ पे मैंने वर्ड उठा लिया शांति, क्या उठा लिया, शांति वर्ड को उठा लिया। अब शांति वर्ड यहाँ पे उठाया, तो शांति आपको कब मिलती है, अब आप कोई भी शांति समझ सकते हो, या तो वो शांति या तो मन की शांति, ठीक है। तो शांति आपको कब मिलेगी, जब आप अपनी पलक को बंद करते हो, जब क्या करते हो, अपनी पलक को क्या करते हो, बंद करते हो। जैसे आपने पलक बंद किया तो आप नींद में आ जाते हो, जैसे नींद में आते हो तो आपको शांति मिल जाती है, ठीक है, मन की शांति। तो मन की शांति कब मिलेगी, जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी पलक को झपकाएंगे तभी आपको शांति मिलेगी। तो पलक को डिकोड करेंगे तो क्या होगा, 9571, तो 1957, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखता होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 1957, ठीक है। नेक्स्ट, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किसको मिलता है, देखिए यहाँ पे परमवीर चक्र, तो यहाँ से राम उठा लीजिए और वीर उठा लीजिए, ठीक है, या तो रम, इसको राम ने रम पढ़िए, क्या पढ़िए, रम,
इसको रम नहीं पढ़ते, राम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रम वीर। अब देखो इसको कैसे इमेज बनाएंगे, फटाक से कैसे स्टोरी बनाते, देखो जितने भी वीर हैं वो रम, रम पता है ना, रम पी के क्या कर रहे हैं, वो ब्रेक डांस कर रहे हैं। कौन सा डांस कर रहे हैं, ब्रेक डांस कर रहे हैं, याद रखिए, देखो ब्रेक डांस कर रहे हैं। कौन, वीर, जितने भी भारत के वीर हैं सब के सब रम पिए हैं और मस्त हो गए और क्या कर रहे हैं, ब्रेक डांस कर रहे हैं। तो ब्रेक को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 9471 1947, ठीक है, कैसे बना, के से 7 ब्रेक, आर से 4, बी से 9, 1 हमने ऐड कर दिया तो 1947, ठीक है। नेक्स्ट, सारे वीर क्या कर रहे हैं, रम पी के ब्रेक डांस कर रहे हैं, तो ये 1947। नेक्स्ट, भारत रत्न, अब यहां पे भारत रत्न, इसको हम कोई भी इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि बना भी सकते ऐसा नहीं है, बट इसको सीधा सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि भारत रत्न हमारे जवान पे भी हमेशा नाम रहता है इसका। तो भारत रत्न कब आया था इंडिया में, तो भारत रत्न उसी को मिलता है जो बेस्ट प्लेयर होता है, या प्लेयर से लिख दो, ठीक है, जो प्लेयर होते हैं उन्हीं को मिलता है। तो प्लेयर यहाँ पे दो अकॉर्डिंग हुए, एक तो इसका दम, पद्मश्री और भारत रत्न। दम सबसे ज्यादा दम किसमें होता है, प्लेयर्स में होता है। अभी देखो मैं सब पूछूंगा, आप खुद ही जवाब देंगे फटाफट, अगर आपने ध्यान दिया है तो। भारत रत्न किसको मिलता है, प्लेयर को, प्लेयर्स को डिकोड करेंगे तो वही कोड मिलेगा 1954, ठीक है, क्यों देखो 954 ये कट गया, इसको हमको लेना नहीं, वन लगा दिया 1954। नेक्स्ट, मूर्ति देवी अवार्ड, ये आपको बताना है, मूर्ति देवी अवार्ड मैंने डेट लिख दिया, 1984 ईयर को आया था ये। अब आप बताइए इसको कोडिंग करके, और यहाँ से कोई कोड उठाइए, इसको कोरिलेट करके मुझे बताइए, मुझे कमेंट करना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए इसका आंसर क्या, कोड क्या बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड आप समझिए कि लालू जो है आपके साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका क्लासेस है, सपोज अकेडमी अवार्ड आपका क्लासेस है, अकेडमी करके साहित्य अकेडमी, उसमें पढ़ते थे लालू, और लालू ने टॉप कर दिया क्लास में, क्या कर दिया, टॉप कर दिया क्लास में लालू, आप जानते हो लालू कौन है। तो आपने क्या किया, लालू को बुलाया और लालू को आपने साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया, क्या दिया आपने लालू को दिया, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड आप लालू को दे रहे हो, आप लालू को दे रहे हो ऐसा इमेजिन करिए, आप लालू को दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोड बनेगा तो 9551, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1955, ठीक है। तो कैसे आया, आप लालू को दे रहे हो, तो यहाँ पे पी है तो 9 आया, एल है तो 5, एल है तो 5, 1 लगा दिया 1955, ठीक है। तो कितना अच्छा तरीका है इसको याद करने का, और कितना बेटर तरीका है, आपको भी ये सारी चीजें नहीं याद होंगी जिसे मुझे नहीं याद है, मुझे ये सब कुछ नहीं याद है, मुझे इसमें से कोई भी डेट अभी कोई पूछ लेगा मुझे याद नहीं है, बट मैं जिस तरह से समझा हूं उस तरह से मैं तुरंत आंसर दे सकता हूं, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, ज्ञानपथ अकेडमी, ज्ञानपथ अकेडमी ज्ञानी लोग को मिलता है, ठीक है, सॉरी, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं, पागल होते हैं, और आप ऐसे बोल सकते हैं ज्ञानपथ अवार्ड ज्ञानी लोग को मिलता है और वो लोग हमेशा पागल होते हैं। तो कुछ भी हमको इमेज बना के, स्टोरी बना के मेमोरी में सेट करना, बस राइट ब्रेन में बात पहुंची, खत्म, बस कॉमेडी होनी चाहिए उसमें, भरपूर, जितनी ज्यादा कॉमेडी उतना ज्यादा याद। तो ज्ञानी लोग क्या होते हैं, पागल होते हैं ना, गांव बोलते हैं कि ज्यादा मत पढ़ पागल हो जाएगा, तो ज्ञानी लोग क्या होते हैं, हमेशा पागल होते हैं। नेक्स्ट, दादा साहेब फुलके, जैसे दादा दिखा मुझे याद है, मेरे दादा बीजेपी में क्या है, लीडर है, तो बीजेपी को डिकोड किया तो ये आ गया। नेक्स्ट, नोवेल अवार्ड, मुझे कौन सा नोवेल पढ़ना पसंद है, बेस्ट नोवेल पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर कर, अब देखो याद आ गया ना, मुझसे सबसे ज्यादा कर कौन लेता है, पीएनबी बैंक वाला लेता है ना, पंजाब नेशनल बैंक वाला। फिल्म फेयर अवार्ड में किससे जा रहा लेने के लिए, प्लेन से जा रहा, देखो आपको भी याद आता रहेगा, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स है तो यूनिवर्स मैंने बताया था, आप इमेजिन कीजिए किससे घूम रहे हो, प्लेन से, सीधी सी बात है, याद आना नॉर्मल है, वो तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है, बट आप अभी इसको रटते थे तो पक्का है, जितने टाइम में आपने वीडियो देखा उतने टाइम में तो एक भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन की महाभारत में क्या हुई थी, बेइज्जती हुई थी, बेइज्जती को ब्रेक करो, याद गया, मिस वर्ल्ड को वर्ल्ड में कहीं ब्लड ही नहीं मिल रहा, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो कौन देने जा रहे हैं, आप देने जा रहे हो, क्या देने जा रहे हो, ब्लड देने जा रहे हो, ब्लड को डिकोड करेंगे, ये आ गया। मिस इंडिया, इंडिया की है तो इंडिया की कंपनी को उद्घाटन करने के लिए कौन आएगा, मिस इंडिया, कौन सी कंपनी, बजाज कंपनी का उद्घाटन करने के लिए। नेक्स्ट, पद्मश्री, दम, पद्म, दम किसमें से ज्यादा दम होता है, प्लेयर्स में होता है, आ गया ना। कलिंग अवार्ड, तो काली माँ को आप विसर्जन किससे करने जा रहे हो, प्लेन से करने जा रहे हो, कितना इजी है, फटाफट याद हो रहा है। ग्रैमी अवार्ड, गर्मी, भारत में 60 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो रही है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तो बिलीव, मैन को बुक कौन कर रहा है, बीजेपी वाले बुक कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, जवाहरलाल बाहर, किसको बाहर निकाला जा रहा है, तुमको, क्यों, क्योंकि तुम पागल हो चुके हो। नेक्स्ट, सरस्वती अवार्ड, सरस्वती अवार्ड क्यों, सरस्वती कौन है, भगवान है।
तो भगवान को आप क्या चढ़ा रहे हो? पपीता चढ़ा रहे हो, खत्म। शांति, शांति कब आती है? जब हम अपने पलक को बंद करते हैं तभी हमको शांति की नींद आ जाती है। परमवीर, ठीक है, इसको रम पढ़ना है, रम। सारे वीर क्या कर रहे हैं? रम पी के कौन सा डांस कर रहे हैं? ब्रेक डांस कर रहे हैं। ब्रेक को ब्रेक करेंगे तो ये आ गया भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न मैंने आपको बताया किसको मिलता है? प्लेयर्स को मिलता है। ये सिंपल सा है, या फिर कोड भी आप बना सकते हैं, बट उससे इसको सबको याद रहता है। 1954। नेक्स्ट, मूर्ति देवी अवार्ड आपको बनाना है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड आप किसको दे रहे हो? लालू को दे रहे हो। किसको दे रहे हो? हाँ, लालू को साहित्य अकेडमी अवार्ड दे रहे हो। ऐसा इमेजिन कीजिए, जैसा इमेजिन कीजिए वैसे आया। जैसे यूनिवर्स का इमेजिन किया था, यूनिवर्स में क्या है? प्लेन। इतना ध्यान रखना, जितना ज्यादा डीप इमेजिन होगा उतना ज्यादा चीजें याद होगी। एक बार इसको, ये बहुत सारे लोग को एक बार में भी हो जाता है, किसी को दो तीन बार में भी नहीं होता। उसका रीजन ये है क्योंकि वो इमेजिन सही से नहीं कर पाते। जिस टाइम तुमने इमेजिन सही से किया, इमेजिन किया ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है या फिर दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है, आप लालू जी को अवार्ड दे रहे हो, तो सोचो जरा साहित्य अकेडमी और रियल में सोचो कि आप अवार्ड दे रहे हो, तो कितनी खुशखबरी की बात है। तो जिंदगी भर नहीं याद रहेगा वो। जिस दिन ऐसा दिन आ गया कि आप साहित्य अकेडमी अवार्ड लालू जी को दे रहे हो, तो वो दिन तो याद करने की भी जरूरत नहीं। तो उसी तरह से चीजों को मेमोराइज कीजिए कि ऐसा चीजें हो रही है। जिस दिन ऐसा कर रही है उस दिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ सिर्फ इमेजिन करनी है, ठीक है। और इनको डिकोड करने की प्रैक्टिस आप करते रहिए ताकि आपको भी फटाफट ये चीजें आती रहे, ठीक है। कहीं ध्यान और भी है फिर भी आपको चीजें आती रहेंगी डिकोड करने के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं इतना मानता हूं कि आप कैलेंडर्स की प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, ठीक है। कैलेंडर्स की मैं आपको कुछ डेट देता हूं, आप मुझे उसके प्रॉब्लम्स कमेंट में सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। 02 जैन 1904 कौन सा डे होगा आप मुझे कमेंट करेंगे। 14 अगस्त 1946 को बताओ कौन सा डे था। 04 जैन 2010 बताओ कौन सा डे था, ठीक है। 15 फरवरी 1999 बताइए कौन सा डे है। तो ये चार मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इसके कमेंट मुझे करिए, मुझे देखना है कि आप ये कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। और नहीं हो रहा तो आप मुझे एक बार कमेंट करिए, ये रिविजन लेक्चर भी हम इसके ऊपर एक बार रख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, और इसके पीडीएफ भी मैं जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पीडीएफ आपको टाइम पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अभी हमको आगे क्या करना है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने इसको देख लिया रहेगा, लिख लिया रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद के भी बहुत सारे हैं, ठीक है। 34 35 कुछ तो अवार्ड है, मैं आपको पूरे वीडियो में ही करा के दूंगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा, इसके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।